So we will start for the new practice set 6.1. Write the name of the pairs of congruent line segment in the given figure. तो आपको एट मीन्स लाइन सेगमेंट गिवन है, अगर नहीं दिया है इट्स ओके, मैंने लिखी नहीं हूँ. ओके, आई थिंक इट्स नॉट बी गिवन. तो आपको पैर्स बनाने हैं तो ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पैर्स बनाएंगे. अगर फर्स्ट वन पैर हम बनाते तो एक वन स्किप कर देंगे, सो फर्स्ट वन क्या आ जाएंगे. अगर आप कोई भी पैर बनाते हो तो सेगमेंट को हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एस ई जी. तो आप कैसे लिखेंगे सेगमेंट को शॉर्ट फॉर्म में, एस ई जी. तो फर्स्ट वन हम पैर बनाते हैं सेगमेंट, आपको कितने पैर बनाने हैं, एटलीस्ट फोर पैर बनाने हैं. तो सेगमेंट एंड जी, एंड जी कॉन्ग्रेंट इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ जी डी, सेगमेंट ऑफ जी डी, ये फर्स्ट पैर हो गए. सेकेंड वन पैर आपके क्या आएंगे, सेगमेंट ऑफ जी एम, जी एम कॉन्ग्रेंट इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ जी ई, सेगमेंट ऑफ जी ई, ये आपके सेकेंड पैर हो गए. थर्ड पैर क्या आएंगे आपके, सेगमेंट ऑफ जी डी कॉन्ग्रेंट इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ जी सी, सेगमेंट ऑफ जी सी. और फोर्थ वन पैर आपके क्या आ जाएंगे, सेगमेंट ऑफ जी ई, सेगमेंट ऑफ जी ई कॉन्ग्रेंट इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ जी बी. आप कैसे भी ले सकते हो, आपके फोर पैर इजी से इजी बन सकते हैं. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई थिंक ये आपको समझ में आया है, एक एक के पैर स्किप करते जाओ आपके आ जाएंगे पैर, कुछ इतने डिफिकल्ट नहीं है. तो हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में दिया एक नंबर लाइन पॉइंट्स है, जैसे ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स, कोई भी दो एडजॉइनिंग पॉइंट लेना है, देन शोइंग सो ऑन इट इक्वल. ओके, इक्वली बैलेंस बताना है. सो फर्स्ट वन सेगमेंट ऑफ ए बी, सेगमेंट ऑफ ए बी, सेकेंड पैर क्या ले सकते हैं, सेगमेंट ऑफ बी सी, सो सेगमेंट ऑफ बी सी, ये हो गए. सो फर्स्ट वन है सेगमेंट ऑफ ए पी, सेगमेंट ऑफ ए पी, इसके बीच में कितने पैर है, आप कुछ भी ले सकते हो, क्या लेंगे सेगमेंट ऑफ ए पी, देन ले सकते हैं हम सेगमेंट ऑफ वाई डब्ल्यू, सेगमेंट ऑफ वाई डब्ल्यू, सेगमेंट ऑफ ए सी, सेगमेंट ऑफ ए सी, सेगमेंट ऑफ क्यू जेड, सेगमेंट ऑफ क्यू जेड, देन सेगमेंट ऑफ क्यू एक्स, क्यू एक्स के बीच में कितने पैर है, थ्री पैर है, कोई से भी दो पैर ले लीजिए. सेगमेंट ऑफ पी वाई, हमने पी वाई ले लिए. अब इधर सेगमेंट ऑफ वाई क्यू है, सेगमेंट ऑफ वाई क्यू, इसमें क्या पैर ले सकते हैं, सेगमेंट ऑफ डब्ल्यू सी, सेगमेंट ऑफ डब्ल्यू सी. अब सेगमेंट ऑफ बी डब्ल्यू है, बी एंड डब्ल्यू, तो आप क्या लेंगे, पी एंड वाई ले लेते, सेगमेंट ऑफ पी वाई. ऐसे आप कोई से भी पैर ले सकते हैं, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट लेना है, आप कुछ भी पैर ले सकते, इजी बन जाएगा. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है. सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्ट फॉर द न्यू प्रैक्टिस सेट. आई थिंक इट्स कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा. जय हिंद दोस्तों.